पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत। इन्होंने कुछ नहीं क्यों बता रही है, ये बता। अरे तो दोनों बाप है मेरा, रुक जा जो तू क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या फिर मारे जा रहा है। मैं तेरे को भी मार ले ले, केस तो मैं केस करो, केस करो, केस करो। कहानी आ रही। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब? पहले तो भाई सभी को राम राम। और भाई आज जो भाई जो भी प्रॉब्लम है भाई इन मैडम की है, मैडम आपका दर्द हम समझ सकते हैं। मैडम क्या बताए, जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। किसने किया आपके साथ मैडम? हाँ जी मैडम, चुप हो जाओ पहले। मेरे हस्बैंड ने क्या बात, क्या कह रहे हो भैया? मुझे ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते दहेज को लेके। दहेज मैडम, आप भी तो कुछ बोल सकते हो ना भैया। मैं क्या बोलूँगी, मेरी लव मैरिज हुई है, घर वालों की वजह से भी, मतलब लव को अरेंज करवाया था। तो पहले तो उन्होंने मना कर देते कि मैं कुछ भी नहीं चाहिए, और अब मतलब हर चीज़ पे कुछ भी चीज़ होती है ना तो तू लेकर क्या है, ये हर चीज़ को लेकर टॉर्चर करते हैं। गाड़ी में घूमने की औकात नहीं है, ये नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 2 महीने से तो मुझे घर से भी निकाल रखा है। आपके लड़के को पता है? सबको, मतलब हस्बैंड को, ससुर को, दोनों ही है, मतलब और कोई नहीं है मेरे घर के अंदर। दोनों ही मुझे टॉर्चर करते, वो अपने पापा के कहने में चलते हैं। मैं कुछ भी उन्हें कहती हूँ तो कहते हैं पापा ठीक तो कह रहे, तो लेकर ही क्या आई है। अच्छा, मतलब वो भी अभी उसके साथ होगा। और रिलेशनशिप में आप कितने दिन से थे साथ? 2 साल से थे। 2 साल से पहले रिलेशन में थे, अभी शादी को कितने दिन? 2 साल ही हो गए। 2 साल ही हो गए। तो अभी आपको कि आप घर पे कितने दिन से हो? 2 महीने हो गए मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे। कह रहे दहेज लेके आ, तभी तेरी एंट्री होगी, नहीं तो हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। भाई एक जो दहेज का सामान होता है ना भाई, जो लड़की वाले लड़के को देते हैं, तो ये उस टाइम पे आपकी फैमिली में क्या क्या करते हैं मैडम? भैया मेरे पापा जो है वो गार्ड है, मम्मी हाउस वाइफ है, और एक छोटा भाई है बस। मतलब मिडिल क्लास फैमिली है भाई। मतलब इन्होंने पहले खुद ही मना कर दिया था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे लड़के को पसंद है तो शादी कर दो। अच्छा। और अब उसके बाद मतलब 6-7 महीने बाद ही मुझे टॉर्चर करने लग गए। देख लो भाई कैसे कैसे लोग हैं। तो भाई ऐसा हो रहा है मैडम के साथ, और इनको भाई बहुत दुखी किया जा रहा है। मैडम आपने बुलाया उनको भी यहाँ पे? ठीक है मैडम, आने दो, बढ़िया इंतजाम बांधूंगा भाई तुम्हारे। मैडम मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है, बढ़िया इंतजाम बांधूंगा, आने दे भाई। जब तक के लिए कैमरा सेट कर ले। मैं कहाँ से लाऊंगी, मुझे ये तो बताओ कहाँ से क्या लाएगी ये। अरे बता। भाई मेरे पापा नहीं दे सकते, मेरे पापा की अगर औकात होती तो वो पहले ही नहीं दे देते क्या? मेरी बात सुन ले। हाँ। तेरे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो उसके चाचा भी तो हैं। फिर चाचा अरे ताऊ तो चाचा ताऊ किसी को कितने पैसे वाले हैं? नहीं देते कौन पापा, मुझे एक बात बताओ, कौन चाचा ताऊ किसी का साथ देता है भाई? मैं ये लव मैरिज तूने सोच समझ के करी थी तो ये आप पहले बताते ना। क्या बताते ये बता, पहले क्या बताते? तो आपको ये चीज बोलनी चाहिए थी ना कि हमें दहेज चाहिए, आपने उस टाइम नहीं बोला। भाई मेरी बात सुन, मुझे चाहिए गाड़ी पापा, भाई मेरे पापा की नहीं औकात, मेरे पापा कहाँ से लाएंगे? तो नहीं है बेटा, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हारे सुख के लिए तो कह रहे, ये बेटा मैं तो चला जाऊंगा कुछ दिन का हूँ, मेरा क्या, मैंने थोड़ी सी बेटा। सुन मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, देख अगर तू, भाई मैं सुन मेरी बात सुन पहले, अगर तू कुछ लेके आएगी ठीक है तो उसमें तेरा ही तो फायदा मैं है। मैं लेकर कहाँ से आऊंगी, मेरा छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई है, मेरे पापा अकेले कमाने वाले, वो कहाँ से देंगे? पापा की रट मत लगा यार, चाचा भी तो हैं तेरे। तो चाचा तो किसी के नहीं, अगर देना होता तो वो उसी टाइम नहीं देते क्या शादी में? तुम पहले बताते ना तुम्हें चाहिए। अब तो बता दिया, शादी को हुए कितना टाइम है अभी? 2 साल हो गए यार। 2 साल ही तो हुए बेटे, इसके पापा की जमीन भी है, मुझे पता लगी है जमीन को। अच्छा ऐसे, मतलब मेरा भाई भी तो है, जमीन को हमारे अपने ही नाम करवा लेगी ना। अरे मेरा भाई भी तो है आगे, उसकी पढ़ाई लिखाई भी तो बहुत छोटा है वो। भाई है, भाई का ठेका ले रखा है क्या? छोड़ दे बेटा इसको, ऐसी लड़की को, इसके तो तेरे को समझ वो नहीं आए। ये क्या बोल रहे पापा, चाहिए ना? अगर कल को आपकी बेटी होती आप उसको ऐसे बोल रहे? ध्यान मत दे, बस ये बता हाँ है ना। मैं कहाँ से लाऊंगी प्यार से? अगर तूने दे दिया दहेज तो ठीक है, वरना मैं डिवोर्स दे दूंगा। यार ये क्या बात होती, तो तुम्हें शादी से पहले ही चीज सोचनी चाहिए थी ना। बैट, जब कुछ कह रहे हैं तो सुन ले पहले। बैठ देख बेटा, तेरे नाम होगा ना, तेरे कल को बच्चे होंगे, गाड़ी मोटर में तुम घूमोगे। अरे इतना तो चला जाऊंगा शमशान, कमा के भी ले सकते हैं, मेरे बाप कहाँ से देगा? अरे मैंने ठेका ले रखा, मैं, मुझे क्या पता है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, बात खत्म।
यार ये क्या बात हो गई, ना लेके आ रही हो तो मुझे बता मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे बाप कहाँ से देगा एकदम गाड़ी। तेरा बाप भी तो नहीं देगा, तेरा चाचा तो देगा। छोटी चीज थोड़ी होती है गाड़ी यार। एक बात बताओ, दो साल से आराम से बात कर रहे हैं इससे, देखो पता नहीं चल रहा क्या? पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत पैर मेरे मत पकड़, मैं यही बैठ जा, पैर नहीं पकड़वाना, पैर मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को गाड़ी लेनी है यार। मैं कहाँ से दूंगी, नहीं अपने चाचा से मांग लेना, चाचा तो किसी के नहीं देते। तेरा बाप कर्ज नहीं ले सकता जी, देखना आप तो इतने बड़े हो, आपको तो दिमाग है, प्लीज आप तो सुन, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज अपने बेटे को समझाओ। कर्ज भी तो ले सकता है, कर्ज कहाँ से उतारेंगे, मेरे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं, 15,000 रुपए उनकी सैलरी है यार। ये भी बताओ कि इसका बाप कर्ज कहाँ से उतारेगा सारी चीज़ यार, मुझे इतना परेशान मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी। देखो मैंने तुम मर जाए यार, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर मेरे को गाड़ी चाहिए, साफ बात है। मैं कहाँ से यार, प्लीज यार तुम समझो प्लीज बेटा, हम मेरा हाथ मत लगा, मैं तेरे से कुछ कहना नहीं चाहता ज्यादा, ठीक है? मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी अगर ला सकती है तो बता। मैं कहाँ से दूंगी यार, नहीं बस की। अरे कौन हो भाई तुम, क्या वाइफ है मेरी? हाँ इसको समझा रहे हैं यार, क्यों रो रहे हो भैया? बता, मैंने शादी को 2 साल हो गए, दूसरों को बता रही हूँ, मैं सबको जानती हूँ, ठीक है यार? प्लीज यार मैं नहीं दे सकती गाड़ी, नहीं है मेरे बाप की औकात। अरे कौन मांग रहा है तेरे से गाड़ी? अब अंकल चिल्लाओ मत यहाँ पे, आराम से बात। अभी तो आपने बोला अपने पापा को, बोलते जमीन बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, कर्जा ले लेंगे, गाड़ी चाहिए। झूठ क्यों बोलती है बेटा, बताओ तो क्या बात है? हमारी 2 साल पहले शादी हुई थी और अब ये दहेज मांग रहे हैं, दहेज के अंदर गाड़ी मांग रहे हैं। तो हो कौन भाई तुम? भाई मैं हूँ, जो भी हूँ, मेरा भाई है, पार्क में भाई है, मेरा भाई है। उस दिन से तो भाई नहीं था, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, मेरा भाई है। बात क्या हुई है बहन, बात क्या हुई है मेरे को बता। भैया बता, 2 साल पहले ना हमने शादी करी थी, इन्हें बताओ, लव मैरिज थी, लेकिन हमारी लव अरेंज हुई थी। उस टाइम इन्होंने बोला इनसे 2 साल हो गए शादी को, उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं मांगा, ठीक है भैया? उस टाइम इन्होंने कुछ अरे इन्हें क्यों बता रही है, ये बता। अरे तुम लड़के को कम हमारे घर परिवार का मतलब है, लगाने से पहले सोच लियो। हाँ सोच लियो भाई, क्या बता बताना है? आज तो छोड़ भाई, अंकल देखो इज्जत का कम बीच में मत कर, एक मिनट बैठो तो सही। अरे ऐसे ही मारूंगा, मारे जा, कौन है ये, कौन है बताना, क्या बोल रहा है? देखो बता, भाई है मेरा, ठीक है? अच्छा पैक कर दूंगा अच्छे से, देख लो। लड़की रो रो रही है तो इसका मतलब ये है कि लड़की सच बोल रही है। अंकल हाथ नहीं लगा रहा, इज्जत कर रहा हूँ। लड़की लड़की बहुत अच्छी है ना, लड़की नहीं बुलाया होगा, लड़के को छोड़ दे, बीच में से फाड़ दूंगा, ठीक है? और उधेड़ता जाऊंगा। कौन है? भाई है मेरा, मैंने बुलाया है। सिर पे जितने बाल है ना सारे उखाड़ दूंगा, देख लो इसके, इधर देखना क्या बोल रहा हूँ, थप्पड़ में इधर देख लेना, इधर देख लेना क्या बोल रहा हूँ। लड़के को मारा जा रहा है बार बार, अंकल इज्जत कर रहा हूँ, हाथ नहीं उठा रहा, ठीक है? नहीं घसीटता लेके जाऊंगा तो तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन मारता है तेरे को, कौन मारता है? मैं ना घसीटते लेके जाऊंगा, ठीक है? क्या कर रहा है तू साले, तेरे को शर्म आ रही है? फिर मैं केस कर दूंगा, कर तू कर केस, ले ले केस, तो मैं भी कर केस करो, केस केस करो, केस करो, खानी आ रही। कोई बात नहीं, बताओ मैडम, बताओ मैडम क्या हुआ? सुनो वे, 2 महीने से घर से निकाल रखा है, कहते हैं गाड़ी ला नहीं तो हम नहीं रखेंगे। मैं ये कह रहे कि मैं डिवोर्स दे दूंगा। दियो भाई, दियो एक बार, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार। मेरी बात सुन, हाँ कैमरा लगा रखा है, आप बहुत तेज हो, है ना? कि दहेज मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिवोर्स? आप बहुत तेज हो, हैं? आप बहुत तेज हो, देख बेटा सुन, मैं अभी सब पकड़ लिया, तुम भाग लो, नहीं आओ हाथ, भागने वाले नहीं है हम, ठीक है? कोई नहीं, फिर भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखियो, ठीक है? ये भाई कोई कहता लड़की, ये लड़की दहेज पे ना झूठ, देख अभी पलट रहे हैं, अभी पलट रहे हैं मैडम, देखो सीधी सी बात है, एक बात बताओ मैडम, मैं आपको आपका मैं आप चुप होगा, मैं आपको अब एक बात बताता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो, चुप रहो ना पापा जी, चुप, इनको चुप करा ले, इतने जान से उठा मार दूंगा, ठीक है? मैं बोलता ही नहीं, चांद चांद की तरफ पैर हो रखे हैं और हम बोलता ही नहीं है ये। चलो हम घर चल रहे हैं, चलो। वो भाई घर जाने का रास्ता ही नहीं है, तेरा रास्ता तो बंद हो लिया कब का। मेरी बात सुन, तू इससे क्या बोल रहा है कि दहेज लेके आ, पैसे लेके आ, गाड़ी ला, तलाक देगा, एक बार तलाक दियो, बाप है मेरा, रुक जा, तू क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या फिर मारे जा रहा है, मैं तेरे को भी देखूंगा भाई, ये दोनों माँ बाप बेटे हैं और ये ना
ये एक बार शक्ल देख लो ये भाई, इस लड़की को ना बहुत दुखी कर रखा है। कोई दुखी नहीं, 3 दिन से रोने लग रही है भाई मैसेज में, ठीक है। और ये साला ये कैमरा लगवा के इसकी इसकी दो पैसे की औकात, ये आजकल केस चल रहे हैं ना, ना सबके सामने बेटिया, है ना। मैं ना ओए इधर आई हूँ, क्या कर रहा है तू, ठीक है इधर बैठ। और हिल गया ना तेरे को मैं बताऊंगा, चुप हो जा, तेरे बाप की इज्जत कर रहा हूँ, इसको चुप करा ले। और ना मैं रखने पे आ गया ना इसको ऐसे, सारी वीडियो बनने लग रही है, जो जो तुम एक्टिंग उतारने लग रहे हो। मैडम मैं आपको आपका बताता हूँ, देखो दहेज के ऊपर नहीं, हमारे कानून में बहुत से वे धारा है, ऐसी तो नहीं करना ना कोई, तभी ये इतना बोल रहे हैं ना, तभी ये इतना बोल रहे हैं। मैं आपको जेल भिजवाने का मैं आपको प्रूफ बना दिया, प्रूफ दे दी, प्रूफ। भाई तू भी चुप रह ले, ठीक है भाई, बोल रहा हूँ ना चुप रह ले, तेरा काम मैं नहीं कर रहा अभी, तेरे को हाथ नहीं लगाया पूरे उसमें, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, उसमें सारा रिकॉर्ड हो रखा है। और मैडम मेरी बात सुनो, मानते हैं तो ठीक है, तुम्हारे हाथ में अभी तुम्हारा सबूत बना दिया है और अभी आपको वीडियो दे दिए, ठीक है। कोई नहीं, हमें नहीं, चलो कोई अब क्या बेटा, नहीं। अब क्या, अब कोई बेटा मैडम, कोई नहीं, माफ कर दे, आगे से नहीं माफ, अब क्या माफी भाई, ठीक पलटना भाई, देखो ऐसे ऐसे लोग पलट रहे हैं, अभी देख लो 2 मिनट पहले ये बंदा, देखो ये बंदा ना तलाक दे रहा था, चलो कोई नहीं, सब बंद कर दो अब, नहीं। और इसको 2 थप्पड़ लग गए और इसको मैडम को वीडियो मिलेगी। और अभी ये जो पास भी रखना मैडम, ये मैं आपको ही दूंगा और ये नेट पे डालूंगा ये वीडियो, ठीक है। कैसे कैसे लोग होते हैं, नहीं तलाक दे ना, तलाक दे, तू पैरों में बिठा रहा लड़की को, अब मैं माफी मांग रहा हूँ, तेरा घर पाल रही है वो, लव को जब तो नहीं छोड़ रहे हम अपनी बेटी को, चलो इन्हें लेके, बुड्ढे तू कैसे बदल रहा है अब, देखो अभी तो कह रहे थे तुम्हारे फ्यूचर की हो गया, नहीं हो गया, चलो मैं देखूंगा ना, चलो पापा एक सेकंड रुक जा, मैं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ भैया, हम तुम्हारे भी मैं कंप्लेंट मारो भाई, नहीं 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 मेरे को मत चुप, मेरे को वो मत करो, हाथ भी लगाओ, हो गया तुम्हारा इंतजाम भैया, हम माफी मैडम क्या करना है बताओ, माफी चाहते हैं, चलो देखते हैं मैडम, आपको नंबर लिख नंबर दूंगा मैं अभी, अगर कल को कोई भी आपके हाथ में है, हाँ। वो तुम साले दोनों ना एक लड़की को मजबूर कर रहे हो, आगे से होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर दूंगा, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना, ठीक है। अब बेटे ये बार बार आराम से ना, अब हमने माफी मांग ली ना, फिर भी तुम्हारे को वो नहीं आ रही, अब हम बेटा इतना ज्यादा मत बोल, आराम से रखियो, कुछ भी हुआ ना तो बताऊंगा भाई, देख लो कैसे कैसे लोग होते हैं भाई। और थोड़ा सा यार ये चीज़ अब तो छोड़ दो यार, दहेज वेज पहले, अरे पहले लव मैरिज की और अभी दहेज मांग रहा है, इतना बेशरम आदमी था यार। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे फैलाओ भाई, आपके हाथ में ये चीज़ें, और लोगों को आने वाली जनरेशन को जागरूक करना। तो हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।